रामपुर के जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसका पति काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था। मीनू के घर के पास ही उल्लू भी रहता था। उस उल्लू की दोस्ती मीनू चिड़िया से थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। एक बार मीनू चिड़िया ने 3 अंडे दिए। ये अंडे कितने सुंदर हैं। बस मेरे बच्चे सही सलामत अंडे से बाहर आ जाएं, तो मेरी कामना पूरी हो जाएगी। मीनू चिड़िया अपने अंडों की दिन रात देखभाल कर रही थी। एक दिन उस जंगल में एक चील आया। वो हमेशा पक्षियों को खाने की ताक में रहता था। एक दिन उल्लू मीनू चिड़िया से बातें कर रहा था। क्या बात है मीनू, आजकल तुम दिखाई नहीं देती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ उल्लू भैया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैंने अंडे दिए है ना, उसी की देखभाल में सारा दिन निकल जाता है। हर समय डर बना रहता है कि कहीं कोई जानवर आकर मेरे अंडों को ना खा जाए। पेड़ के पीछे से चील उन दोनों की बातें सुन रही थी। अच्छा तो ये बात है, इस चिड़िया ने 3 अंडे दिए हैं। कई दिनों से मुझे पक्षियों के अंडे खाने का मौका नहीं मिला है। मैं जल्दी ही इसके अंडों को चट कर जाऊंगी। तभी चील बच्चों को खाने की तलाश में रहने लगी। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं और मीनू चिड़िया के 3 प्यारे प्यारे बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। जाने से पहले उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों घर में भोजन खत्म हो चुका है, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तुम लोग दरवाजा अंदर से बंद कर लो, और मेरे सिवाय कोई भी तुमसे दरवाजा खोलने को कहे तो तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम जब आओगी तभी हम दरवाजा खोलेंगे। मीनू चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर वहाँ से चली जाती है। दूर बैठी चील ये सब देख रही थी। वो खुशी से झूमने लगी और मीनू के दरवाजे के बाहर आकर बोली, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम लोगों से मिलने आई हूँ। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि माँ ने हमें मना किया है। बच्चों मैं तुम्हारे लिए खिलौने और मिठाइयाँ लाई हूँ। मिठाइयों का नाम सुनते ही बच्चों को लालच आ गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। बच्चों ने जैसे ही दरवाजा खोला तभी चील ने झपट्टा मारकर एक बच्चे को पकड़ लिया और वो वहाँ से भाग गई। ये देखकर बाकी 2 बच्चे जोर जोर से रोने लगे। तभी वहाँ मीनू चिड़िया आ जाती है और दरवाजा खुला देखकर डर जाती है। वो अपने घर के अंदर जाती है तो वहाँ देखती है बच्चे रो रहे थे। क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो और तुम्हारी दीदी कहाँ है? मम्मा मम्मा, आपके जाने के बाद चील आई थी, वही दीदी को ले गई। इतना सुनते ही मीनू फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं, मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं, जिस बात का डर था वही हुआ। उन सब का रोना सुनकर उल्लू वहां आ जाता है। उल्लू भैया जल्दी मेरी बच्ची को बचाओ, वो चील मेरी बच्ची को उठा कर ले गया। तुम फिक्र मत करो मीनू बहन, मैं तुम्हारी बच्ची को लेकर आता हूँ। उल्लू ने दौड़ लगाई और लाड़ो को ले जा रही चील पर हमला कर दिया। अचानक हमले से चील घबरा गई और लाड़ो उसके मुंह में से छूट गई। तभी वहाँ मीनू चिड़िया आ गई और सही सलामत लाड़ो को पाकर बहुत खुश हुई। उधर उल्लू ने उस चील को बुरी तरह से घायल कर दिया। उस दिन के बाद से चील फिर कभी उस जंगल में दिखाई नहीं दी और मीनू अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सुंदरवन के एक जंगल में मीनू चिड़िया अपनी बेटी
लाड़ू चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा सोनू चिड़ा भी था। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। बहुत ही मेहनत मजदूरी करके वो जो पैसे कमाती थी, उन पैसों से वो अपने घर का गुजारा करती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। मीनू चिड़िया का पूरा परिवार काफी ज्यादा चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। अब हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ लाड़ो चिड़िया, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं नया घोंसला बना सकूँ। तभी सोनू चिड़ा वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाऊं। ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। फिर सोनू चिड़ा खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर अभी बारिश शुरू हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? लाड़ू चिड़िया, तू अभी रुक, मैं कुछ सोचती हूँ, तब तक तू मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। लाड़ू चिड़िया चाय बना कर लाती है। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थोड़ी देर बाद लाड़ू चिड़िया चाय बना कर लाती है और वो अपनी माँ को दे देती है। मीनू चिड़िया चाय पीने लगती है। लाड़ू चिड़िया, मैं सोच रही हूँ कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ कर्ज ले लूँ और फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही आपके ऊपर बहुत कर्ज है, आप अब फिर से कर्ज लोगी? तो फिर क्या करूँ लाड़ू चिड़िया, अब तू ही मुझे बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। मीनू चिड़िया अपने मालिक के पास कर्ज मांगने जाती है। मालिक, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए, मुझे अपना नया घर बनाना है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना भी मुश्किल हो रहा है। मीनू चिड़िया, तुम्हें कर्ज मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे पास पहले ही बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। मीनू चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। मीनू चिड़िया के पूरे घर में पानी भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब इसमें दबकर मर जाएंगे। ये सब देखकर मीनू चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर? मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर हरी तोती के घर जाती है। तोती बहन, आप मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घोंसले को क्या हुआ जो तुम इतनी तेज बारिश में मेरे घर मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है तोती बहन, बारिश रुकने तक आप मेरी मदद करो। देखो मीनू चिड़िया, तुम बुरा मानो चाहे भला, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अब तुम यहाँ से जाओ। फिर मीनू चिड़िया पिंकी चिड़िया के घर जाती है।
लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। फिर उदास होकर मीनू चिड़ियाघर वापस आ जाती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी सोनू चिड़ा कहता है, माँ मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ एक ट्रेन खड़ी है, बहुत दिनों से कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, चलो चलकर हम उसी ट्रेन में रहेंगे। अरे पागल, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? फिर उसके बाद सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया और लाड़ो चिड़िया को लेकर उस ट्रेन के पास जाता है। मीनू चिड़िया उस ट्रेन को देखकर राहत की सांस लेती है। ये ट्रेन तो बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर दोनों माँ बेटी उस ट्रेन की सफाई कर उसमें घर बनाकर रहने लगती हैं। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे एक हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन अचानक से हरी तोते का घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों को लेकर जंगल में इधर उधर भटकने लगती है। तभी मीनू चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। हरी तोती बहन, जल्दी इधर आओ। मीनू बहन, क्या मैं भी इस ट्रेन में रह सकती हूँ? हाँ हाँ हरी तोती बहन, तुम भी एक ट्रेन के डब्बे की सफाई कर उसमें अपना घर बनाकर रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीनू चिड़िया, जो तुमने मेरी इस मुसीबत में मदद की। फिर इस तरह उस ट्रेन में कई बच्चे अपना घर बना